दिस इज़ माई सेकेंड टाइम एंड नेपाल जो एक बार आ जाएगा वो बार बार आ जाएगा. देवों की भूमि है एंड सो मैनी टेम्पल्स आर देयर. वी कनेक्ट टू पीपल एंड द नेचर एवरीथिंग. एज एन एक्टर मेन पर्पज़ इज़ फॉर माई फिल्म. इट्स पशु, जो पशुपतिनाथ हैं यहाँ पे उनके ऊपर भी है, जो पशुओं के ऊपर है जो कि, और ये कनेक्ट करती है इंडिया से महाकाल, उज्जैन में जो महाकाल है. तो इट्स ए मॉडर्न फिल्म जिसमें महाकाल और पशुपति को लेकर एक पशुओं के बारे में लोगों को हम लोग बताएंगे कि कैसे ये जो एनिमल किलिंग हो रही है हर जगह, यू कैन सी इनफैक्ट मतलब इतना हो रहा है कि पीपल सी कि अगर क्रैकर है तो उनको ऊपर गिर के देखते हैं कि कैसे जलते हैं लोग. तो इट्स रियली हर्टिंग ना. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, लेट्स सी व्हाट्स हैपन. सो कई लोकेशंस हम लोग गए देखे एंड मेरे प्रोड्यूसर्स भी बीच में आए थे यहाँ पर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. सो और कुछ काम हो ना हो यहाँ तो हर कोई आना चाहेगा. आई कनेक्टेड मोर विद द पीपल, काफ़ी लोगों से कनेक्ट किया. लास्ट टाइम इतना कनेक्ट नहीं हो पाया था बिकॉज मैं काफ़ी मंदिरों में और लोगों से मिलने में इतना बिजी था. इस बार क्या है कि फिल्म के लिए ज़रूर आया हूँ लेकिन लोगों से कनेक्ट कर पाया और लोगों को समझा. यहाँ पर और भी कुछ मंदिर रह गए थे वो भी जाके देखा, यहाँ के कल्चर को और समझा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे. मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आया था तो ऑब्वियसली मैं लोकेशंस भी खुद देख रहा था एज एन एक्टर, जो कि मुझे ज़रूरी नहीं है, बट इट्स बीन 7-8 years. तो हम लोग देखते हैं ये भी एंड मेरे प्रोड्यूसर से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने, वो बीच में आए थे आके देख कर गए थे, तो ही तो लव्ड इट. तो काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, समझा और मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे भी शूट हो सकता है. अब ये प्रोडक्शन का कॉल है कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, बिकॉज मुझे यहाँ आकर ये फील नहीं होता कि मैं इंडिया में नहीं हूँ. कल्चर सेम है और बॉलीवुड को लेके आई थिंक अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो उससे ज़्यादा ही प्यार है. जो गाने मैंने 10 साल पहले सुने थे वो गाने मैं यहाँ पे म्यूज़िक चलते हुए सुन रहा हूँ, लोग झूम रहे हैं, और जो प्यार बॉलीवुड को लेकर है इनका, तो मुझे लगता है कि नेपाल इंडिया सबको एक कॉम्बो मिल के साथ कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि नेचर हर चीज़ है यहाँ पर. सुदन जी ने मुझे बुलाया था और हम लोगों ने काफ़ी बात करी और वो भी चाहते हैं कि नेपाल में फिल्म शूट हो, इंडिया और नेपाल को लेके और प्यार बढ़े, यहाँ पे भी बॉलीवुड आए, क्योंकि जो दीवानगी यहाँ पर है और उनका जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं नेपाल के, उनका थॉट प्रोसेस काफ़ी एडवांस है. मतलब वो काफ़ी कुछ चाहते हैं करना. उनका थॉट प्रोसेस देख के मुझे लगा कि आने वाले टाइम में बॉलीवुड की काफ़ी फिल्में यहाँ शूट होंगी और हो रही हैं. बीच में काफ़ी शूट्स हुए भी हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग यहाँ के लोकल इन्वॉल्व भी हुए हैं और इससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी. और उनका सोचना नेपाल को लेके और इंडिया को लेके, दोनों को लेके इतना, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा जो सोच रहे हैं फ्यूचर को लेके. और यू ऑल्सो सेड कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम लोग के साइड से, वी आर रेडी टू गिव इन नेपाल. तो आई वॉज वेरी हैप्पी मीटिंग हिम. मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस, आई थिंक ये पॉलिटिकली क्या चलता है हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लोगों से मिलो, पब्लिक से मिलो, तो उनके अंदर प्यार ही है, हर चीज़ के लिए प्यार है. मैं यहाँ आया, मुझे इतना प्यार मिला है, कितने लोग, मतलब मुझे भी पता नहीं था, इतना पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं. तो वो प्यार देख कर ना सिर्फ प्यार ही आता है. अब वो पॉलिटिकली अंदर क्या चल रहा है, क्या हल्ला हो रहा है, वो तो हम क्या करें, मतलब वी कॉन्ट डू एनीथिंग. वी कैन जस्ट ट्राई आवर बेस्ट. हम और इन्वॉल्व हो सकते हैं, नेपाल में अच्छा काम कर सकते हैं. और बस यही है कि डायरेक्ट पीपल से हम कनेक्ट होके, आप जैसे लोगों से कनेक्ट होके हम लोग कुछ अच्छा ही कर सकते हैं. और नेगेटिव चीज़ को तभी आई थिंक मिटाया जा सकता है जब हम कुछ पॉजिटिव करें, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, हर जगह चलते रहेगा. इंडिया में भी अब स्टेट जैसे, अब मैं दिल्ली ज़्यादा रहता हूँ, तो अब दिल्ली को बॉम्बे से में कुछ है कि वहाँ ऐसा हो रहा है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, या वहाँ ऐसा, आसाम में ऐसा हो रहा है,
तो वी कांट डू एनीथिंग ना, सबको एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ कंप्लेन्स रहती हैं। आप पब्लिक को देखो, उनसे मिलो, कनेक्ट करो, पॉजिटिविटी फैलाओ, आई थिंक वो काफ़ी मैटर करता है। अब मैं नेचर की बात करूं, कल्चर की बात करूं, तो इंडिया में भी कई जगह हैं जहाँ इतनी मतलब काफ़ी अच्छे से रखा गया है, सुंदरता है, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन नेचर के मामले में आज नेपाल, आज आप दिल्ली से कंपेयर करो या बड़ी सिटीज़ से बात करो, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, कर रहा है, तो काफ़ी चीज़ें सीखा जा सकता है। और कल्चर में भी आप लोग काफ़ी मतलब, मैं मंदिर गया, काफ़ी जगह गया, मुझे बहुत ही बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस हिसाब से आप लोग की मूर्तियाँ, पूजा, हर चीज़ हो रही है, एनिमल्स को लेके भी काफ़ी मतलब, यहाँ आई थिंक एक पूजा भी होती है डॉग्स को लेके हर साल, तो वो सब चीज़ें बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि पशुपति के पशुओं को वो सम्मान दिया जा रहा है। कई लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं एनिमल्स को, तो वो चीज़ें हैं। और आप अगर बात करोगे फिल्म इंडस्ट्री की, तो वो तो यहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और उनको यहाँ आके शूट करने की काफ़ी परमिशंस देनी पड़ेंगी, अपने गवर्नमेंट को और सब्सिडी या कोई और तरीके से कुछ उनको हेल्प करना पड़ेगा, जिससे वो आएँ और यहाँ काम करें और उनको लगे नहीं यार, यहाँ पे आराम से काम होता है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। जैसे हमारे इंडिया में उत्तराखंड में या आप यूपी में सब्सिडी हैं, योगी जी ने और ने काफ़ी सब्सिडीज़ निकाल रखी है हर जगह, तो वो उसके चक्कर में काफ़ी फ़ायदा होता है और लोग वहीं बार बार शूट करना चाहते हैं और काफ़ी प्रमोशन होता है जगह का भी। तो आई थिंक गवर्नमेंट की साइड से भी अगर यहाँ पे हम लोग को सब्सिडीज़ मिले या परमिशंस आराम से मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो, ये सब चीज़ों से लोग आना जाना बढ़ेगा। कोई यहाँ से साथ प्रोड्यूसर काम कर रहा है, नहीं कर रहा, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे यहाँ के प्रोड्यूसर्स के साथ, लोगों के साथ, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा होगा। और ऐसे ही इतना क्रेज़ है बॉलीवुड को लेके, तो ऑब्वियसली वहाँ के सारे लोग यहाँ आएंगे तो और इनको खुशी मिलेगी, तो टूरिज़्म बढ़ेगा कितना, आप सोचो। वैसे ही काफ़ी टूरिज़्म है अपने नेपाल में, इतनी प्यारी जगह है, तो और डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि कहीं पर भी, जैसे इंडिया है, इंडिया में भी अलग अलग जगह है, राजस्थान है, असम है, या कोई भी गुजरात है, तो हर जगह वो लोग फिल्म बना रहे हैं। तो आजकल क्या चल रहा है कि बड़े बड़े एक्टर्स हैं बॉलीवुड के या कहीं के, वो लोग साथ में कोलैबोरेशन करके साथ काम करते हैं, या यहाँ के एक्टर्स हिंदी फिल्म में करें या नेपाली में, साउथ में, सब जगह डब करें, तो हर चीज़ हर जगह पहुँचती है, तो लोग पसंद करते हैं। तो सिर्फ ये सोच के रहना कि नहीं यार वो लोग साथ काम नहीं करेंगे या हम नहीं कर पाएंगे उनके साथ या नहीं जमेगा, तो आई थिंक इट्स रॉन्ग टोटली। मिल के काम करना और साथ चलना, आई थिंक तभी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जो मुझे लगता है। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कुछ आपको बड़ा करना है या कुछ अच्छा करना है, तो आप मिल के साथ में कोशिश करो कि जैसे अभी साउथ फिल्में हमारी कितनी चल रही हैं वहाँ पे, अब वो हिंदी में डब हो रही है ना, लोग देख रहे हैं, क्रेज़ी हो गए हैं। बीच में तो हिंदी फिल्म कोई देख ही नहीं रहा था साउथ के, अब हमारी हिंदी फिल्म साउथ में डब हो रही हैं। तो वैसे ही साथ मिल के कुछ एक्टर्स को यहाँ साथ काम करा के, चाहे नेपाली फिल्म में हो उसको हिंदी में भी डब कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि डब नहीं कर सकते, नेपाली को नेपाली रहने दो, उसको हिंदी में डब करो, साउथ में डब करो, बल्कि हर कोई देखे। तो साथ मिलके काम करने से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, डरने से कि यार वो कैसा होगा क्या नहीं, आई थिंक वो फिर वो एक डर ही बना रह जाएगा। यहाँ पे कुछ फिल्म्स और बनती हैं जो जाके वहाँ पे डबिंग होती है और एडिटिंग भी होती है बॉम्बे वगैरह में, तो जब ये सब छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, तो और भी दे कैन ट्राई एंड ऑब्वियसली वाई नॉट। मैं भी तो यहाँ पर आया हूँ, आई थिंक इफ़ एनी बडी वॉन्ट्स फ्रॉम नेपाल टू फॉर द कोलेब्रेशन और समथिंग विद माई प्रोड्यूसर और सम, तो कर सकते हैं ना, चाहे तो क्यों नहीं कर सकते। बट इट्स कि अपना सोच को थोड़ा चेंज करना होगा, डर डर को या जो भी है वो चेंज करना होगा। और लोग यहाँ आएंगे, साथ मिलेंगे, काम करेंगे, वो भी कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, वहाँ से भी कुछ लोग नई चीज़ें सीखेंगे, तो ग्रो ही होगा।
नहीं क्यों क्यों नहीं, मतलब मैं तो चाहूँगा इतनी सुंदर जगह, एक एक जगह दिखे यहाँ, मैं तो चाहूँगा यहीं शूट हो जाए, जो प्रोड्यूसर्स है वो यहीं कर ले, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग उनके और यहाँ के बीच में होनी पड़ेगी। आई मीन यहाँ कितना सपोर्ट मिलता है, क्या होता है, तो उस हिसाब से मैं तो चाहूँगा पूरी फिल्म यहाँ शूट हो, इतनी प्यारी जगह, मुझे भी मौका मिलेगा है रहने का। तो वही है कि अंडरस्टैंडिंग पे है, सब कुछ है, आपके गवर्नमेंट पे है कि क्या वो ये होना चाहिए चेंजेस ला मतलब सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, आई क्या थिंक हो तो वो हो सकता है। मेरे को लगता है कि जब बात आए कि बॉलीवुड या हॉलीवुड या कोई भी यहाँ पे शूट करना चाहता हो, तो उनको इतना कंफर्ट जोन दिया जाए, सिक्योरिटी दिया जाए और सब्सिडी भी कुछ दे सकें, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी लोग आएंगे और आप टूरिज्म भी हर चीज़ बढ़ जाएगा। आप देखो ना, आपको पता ही है वो तो, कि जितने लोग आएंगे यहाँ शूट होगा, यहाँ तक कि लोग भी कितने खुश होंगे यहाँ पे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सब छोटी चीज़ें चेंजेस। अब बाहर जहाँ भी शूट होता है, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, इंडिया में हो बाहर हो, हद से ज़्यादा करती है। जब बाहर कंट्री से या कोई स्टेट से भी कोई आता है करता है, तो इतना सपोर्ट मिलता है, तो फिर वो वापस आएंगे ना। अगर हम लोग या कोई भी आता है, कोई भी शूट करने आता है, उनको इंटरनली तकलीफ़ पहुंच रही है या परेशानी हो रही है, कुछ हो रही है और जल्दी से सब ठीक नहीं हो रहा है, तो कोई भी आना नहीं चाहेगा ना। सब बोलेंगे नहीं यार वहाँ रहने दो, वैसे ही सेम ऑप्शन कहाँ है, अच्छा उत्तराखंड में कर लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं। तो वो सपोर्ट बहुत मस्ट है आई थिंक। तो आई थिंक वो चीज़ें बढ़ें और कुछ रूल्स अगर चेंज कर सकें, बिकॉज़ यही सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सब्सिडी जो होता है कि कोई फिल्म करने आए उनको, कई जगह तो ये होता है कि दे पे बैक 30% या 20% या जो भी, या तो कई जगह ये होता है कि हम आपका रहना और खाना फ्री कर देते हैं, या कई जगह होता है कि हम आपको फुल सपोर्ट देंगे, आपको कुछ भी चाहिए, कहीं शूट चाहिए हाथों हाथ आपको, ये ना हो कि इतने पेपर वर्क इतना कुछ, तो उससे क्या है काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है, मीडिएटर्स परेशान ना करें। हालांकि यहाँ पे सब लोग बहुत ही अच्छे प्यारे हैं, तो अभी तक उस स्टेज पे हम लोग भी पहुँचे नहीं हैं, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अगर इतना अच्छा सपोर्ट मिले तो लोग खुद ही आना चाहेंगे। आप अगर यही सपोर्ट अगर आपको इंडिया में मिले, आप शूट कर रहे हैं, तो आप वापस आना चाहोगे, आप बोले यार यहाँ सही है, आते हैं हाथों हाथ सब कुछ साइन हो जाता है, हाँ फुल सपोर्ट मिलता है, मतलब सिक्योरिटी भी हर चीज़ है, कोई टेंशन नहीं है, तो वो चीज़ फिर लोगों को, इतने लोग आने लग जाएंगे यहाँ पे कि आप खुद, आप यहाँ से हैं, आपको पता ही है क्या ब्यूटी है नेपाल की। या जस्ट वॉन्ट टू से कि आई रियली लव यू ऑल, एंड द वे यू आर सिंपल काइंड हार्टेड, बी द सेम, कल्चर को लेके इतना प्यार है उनके अंदर, जो भावना है वो बहुत मुझे मतलब अच्छी लगी। और यहाँ अभी भी लिफाफे चलते हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हो तो मैं देखता हूँ हर दुकान में लिफाफे मिलते हैं, उसमें पैसे डाल के देना, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बड़ा मैं टची हो गया। बहुत ही प्यारे लोग हैं, और बस मेरे को नेपाली इतनी अच्छी नहीं आती, बस राम रा ये बोलना आता है, और बचपन में मैंने गुंदरू खाया है बहुत, तो गुंदरू खान छो और एक ढूंगा लो सिर फोड़ दें छो, कुछ वर्ड्स बस ये सब मेरे को याद है जो बचपन में मेरे कुछ दोस्त थे वो सिखाते थे। हाँ यहाँ 2 बार आने के बाद ये है कि मैं नेपाली भी समझने लगा हूँ काफ़ी हद तक, तो बस यही है कि यार मुझे, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग मुझे प्यार दें और मैं भी कुछ कर सकूँ यहाँ पे, कुछ अच्छा कर सकूँ, यहाँ के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूँ, इंडिया के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूँ, दोनों का कुछ मतलब कुछ ऐसा कुछ हो जाए इस फिल्म से या कुछ भी, कि और लोग यहाँ पर आएँ शूट करें और प्यार बढ़े आपस में, तो यही बस चाहता हूँ।